राकेश कुमार है। राकेश जी, आज क्या मुद्दा है जिस पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हालांकि 200 दिन से कर रहे हैं, अभी नया क्या? 229 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की मांग कर रहे हैं कि हमारी जानें बचाई जाए। 229 दिन से यही बात हम बोलते आ रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन एलजी साहब रोज रोज कोई नई नई बात लेके आते हैं। एलजी साहब ने आज एक बात बोली जो प्रिंट में आ जाई है, काफी रिसेंटली बोली है कि ये इसको देख रहे हैं कि खाली हिंदू मारा जा रहा है। देखिए, मैं आप बताना चाहूंगा, पहले तो जानू को रिलीजन के हिसाब से मत देख लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि हम टारगेट किलिंग पे हो रही है, हमारे पंप पे टारगेट किलिंग हो रही है। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगा, यहाँ यूक्रेन में एक हिंदुस्तानी मारा गया तो उस समय हमने 25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, क्योंकि हम, मेरे लिए, हमारे देश के लिए जानों की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम, अगर मैं बोलूं तो खाली कश्मीरी पंडित की बात बोलूं तो 5 मारे गए। जब हम इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी परसेंटेज निकालते हैं, उसकी 0.11% पॉपुलेशन बन जाती है। अगर उसी राष्ट्र को देख के पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के साथ मानते हैं तो करीब करीब 14 करोड़ की आबादी के साथ मानते हैं। अगर भगवान ना करे कभी 14 करोड़ आबादी कहीं पे मारी जाए, क्या उस समय बोला जाएगा कि नहीं, ये इतने ही मर गए? ये कहीं पे ये बोलना ऐसा कि देखो जी, अपने इसको देख, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय ऑफिस में मारे जाते हैं, चेयर्स पे मारे जाते हैं, और हमें रोज रोज थ्रेट लेटर्स आती है। तो ये थ्रेट लेटर किसको आती है, मुझे बता दीजिए ओपनली, किसको आती है? ये उसको आती है जो नेशनलिस्ट है, जो देश की बात करता है।